मिस्टर साजन क्या आप छेदी से क्या कह रहे थे? सर आप ये बीन फौरन जो है लेके एकदम डस्टबिन में फेंक दीजिए, प्लीज प्लीज सर उसको हटाइए। मैं नहीं देखूंगा, अब इन सब सांपों से बचने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये बीन है। सर इस हां बीन, और अब मैं इसको बजाऊं। सर नहीं 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 सर मुझे निकालिए सर। मिस्टर साजन अभी आप छेदी से क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि छेदी तेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मुझे दे दे, मैं भसूड़ी के खेत में बो दूंगा तो बहुत सारे उग जाएंगे। मिस्टर साजन आप ये बीन लेकर के ऑफिस में क्यों घूम रहे हैं? सर पूरा ऑफिस जो है ना नाक बन के घूम रहा है, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, मैं बीन ले आया तो आपको तकलीफ हो रही है? अरे उन्हें छोड़िए, देखिए देखिए आपके बीन जो है फौरन डस्टबिन में फेंक दीजिए, प्लीज प्लीज मिस्टर साजन देखिए आप इसको हटाइए, यहाँ से हटाइए। मैं नहीं हटाऊंगा सर, अब मैं इसे बजा के रहूंगा, मैं मुझे मरो उनकी हालत खराब कर दी है। आपने खबर दी कि जैसे सुनकर मैं बहुत मजे में हूँ। क्या आपके आसपास कॉफी है? कॉफी को कितना एंजॉय करते हैं? कॉफी नहीं है, ये ग्रीन टी है। अच्छा सॉरी, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
कैसे तो ग्रीन टी का कितना एंजॉय करती है? मुझे तो टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है। नहीं, ग्रीन टी बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छी चीज़ होती है हेल्थ के लिए। और मैं इसलिए बताऊँ क्योंकि सावन के अंधे को हर जगह हरा नज़र आता, तो ये मेरी टी भी हरी है, इसलिए साजन जैसे को हर जगह हरा नज़र आता है, इस कहावत को ऐसे बोल सकते हैं। बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, दिन में दो चार पीनी चाहिए सबको। इस तरह का जो स्ट्रीट फूड और ये सब बाज़ारों में है, वो हमें मजबूरन जो खाना पड़ता है, बाहर का खाना होटल्स में, हम रेस्टोरेंट्स में भले अच्छे जॉइंट्स में भी खाएं, तो फॉर द सेक ऑफ गुड इम्यून सिस्टम और स्टमक, यू हैव टू ड्रिंक 3-4 एटलीस्ट ग्रीन टीज इन अ डे। फिटनेस के लिए क्या करते हैं, मतलब कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह? देखिए, अगर आप डेली सोप के एक्टर हैं तो आप ऐसा कुछ खास कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है बतौर मैं जितनी मेहनत कर सकूँ। जानबूझ के इसलिए खूब कूदता हूँ मैं अपने शॉर्ट्स में भी, तो कि मैं वहाँ पर मेरी सारी एक्सरसाइज हो जाए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं अपने स्टूडियो से फिल्म सिटी में थोड़ी बहुत मैं दौड़ लगा लेता हूँ सुबह शाम अगर मुझे वक्त मिलता है तो। इसके अलावा थोड़ा बहुत योगा, थोड़ा बहुत डाइट, ग्रीन टी और ये सब बस। खाने में मतलब क्या पसंद है? खाने में मतलब क्या पसंद नहीं, ये पूछिए। क्योंकि अच्छा, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। हाँ। और मैं कभी यहाँ पे भी कुकिंग करता हूँ, कभी कहीं भी मैं कुकिंग कर सकता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ या घर पे हूँ तो मैं खुद भी कुक करता हूँ, और मुझे लोगों को खिलाने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय खाने से। मैं शौकीन बहुत हूँ खाने का, लेकिन हर चीज़ टेस्ट करता हूँ, और जितना मेरे साथ के लोग खाएँ, इन्जॉय करें मेरे बनाए खाने को या मेरे मंगाए खाने को, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो भी क्या क्या बनाना आता है? मोस्टली लड़कों को तो बहुत कम चीज़ें आती हैं। लड़कों के बारे में गलत कमेंट मत कीजिए, जो लड़के हमें देख रहे हैं ना वो परेशान हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में बेस्ट शेफ जो होते हैं वो लड़के होते हैं, अगर आपने सुना हो तो, या पढ़ा हो तो उस पर रिसर्च कीजिए। लड़कियाँ, ऑब्वियसली लड़कियाँ बहुत अच्छी कुक होती हैं, नो डाउट, और लेकिन बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन्स ओनली, ये तो प्रूवन है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो प्रूफ है। लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं, लड़कियाँ भी नहीं, लड़कियाँ ही अच्छी कुक होती है, उस बात को बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन बेस्ट शेफ जो है वर्ल्ड में वो लड़के हैं, ये प्रूवन है। बट आपको क्या क्या आता है? मुझे बेवकूफ़ बनाना आता है, और मुझे उल्लू बनाना आता है, मुझे सीरियसली मुझे खाना बनाने में सब कुछ बनाना आता है, सिवाय चपाती के, क्योंकि वो भी मुझे आती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे नहीं आता है बनाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, वो आटा गूंदना और वो सब मुझसे नहीं होता। हाँ, बाकी बस वेजिटेबल्स बना सकता हूँ मैं सिर्फ बनाता हूँ। मैं थोड़ा सा रॉयल कुक हूँ, रॉयल शेफ हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें जो है वो पूरी रेडी चाहिए होती है। मैं कोई मेहनत नहीं करता, ना मैं बर्तन धोऊंगा, ना मैं कुछ काटूंगा, मुझे सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी, तो मैं आई कैन कुक, आई कैन मेक एनीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।